पटोरी पुलिस ने 19 टन तिल के साथ ट्रक लुटेरे को बीते रात गिरफ्तार कर पटना बाईपास पुलिस के किया हवाले। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार की शाम समस्तीपुर जिले के पटोरी थाने की पुलिस ने पटोरी थाना क्षेत्र के इनायतपुर धमौन गांव से 19 टन तेल के साथ पिता पुत्र सहित 3 ट्रक लुटेरों को गिरफ्तार किया है। बीते 23 जनवरी को 28 टन तेल लदा हुआ ट्रक पटना के बाईपास थाना क्षेत्र से गायब की गई थी, जिसके प्राथमिकी दर्ज भी कराई जा चुकी थी। पटोरी पुलिस ने 3 गिरफ्तार अभियुक्त समेत पटना के बाईपास पुलिस को देर शाम हवाले कर दिया गया। उक्त जानकारी पटोरी थाना अध्यक्ष जयकांत साह ने दी। न्यूज क्राइम 24 के साथ समस्तीपुर से टीम की रिपोर्ट। हाँ सर, ये तिल बरामदगी का क्या मामला है, पूरी बात बताइए। ये बाईपास थाना में एक केस हुआ था। कहाँ का बाईपास सर? बाईपास थाना पटना। जी 23/1/2023 को वहाँ से 22 टन ट्रक सहित गायब कर दिया था। जी उसको बाद में वहाँ से ट्रक तो मिल गया, लेकिन तिल जो है 22 टन नहीं मिला था। जी वो उसी तिल को हमारे थाना क्षेत्र के इनायतपुर धमौन गांव से मट्टू चौधरी के भूमितल घर से उसको बरामद किया गया जी। और 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को क्या किया? वो वहाँ के जो SHO हैं ले जा रहे हैं। और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।